हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 12:30 इन द आफ्टरनून एंड अभी हम लोग आए हैं जो कि बाइकला में एक जू है, वहाँ पर हम लोग आए। मेरे साथ में ग्रीष्मा। सो अभी हम लोग आए अपने 390 एडवेंचर पे। सो मैंने ज़्यादा मतलब बेकार का शूट नहीं किया है बाइक पे, हम लोग ट्रैफिक से आए वो तो सीधा मैंने अभी यहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया है। सो कुछ यहाँ पे अभी टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पे बाइक पार्क किया है। बाइक के 5 रुपीज़ चार्जेस है पार्किंग है एंड अभी देखते हैं कि टिकट क्या है एंड आप लोग को भी बताते हैं। द मुंबई जू करके नाम है। सो करते हैं एंट्री एंड दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ के टिकट रेट्स 50 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए 25, और अगर फोटो कैमरा अगर वीडियो कैमरा कुछ है तो उसके 100 और 300 चार्जेस हैं। चलते आप एक टिकट काउंटर पे। ये है यहाँ की एंट्री, यहाँ से हम लोगों को अभी एंटर करना है एंड इस साइड से एग्जिट रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए यार स्कूल से लेके आए इनके पिकनिक के लिए छोटे से। सो करते भी यहाँ पे एंट्री। यहाँ पे मैंने टिकट लिया 50 रुपीज़ पर पर्सन से। सो करते भी यहाँ से एंट्री। यहाँ पर अभी हम लोगों ने एंट्री किया है एंड एंट्री करते लेफ्ट साइड में जो पहला वाला रास्ता था वहाँ से हम लोग स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे जगह जगह पे मैप लगा है कि कहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। सो चलते हैं पहले जगह पे, यहाँ पे क्या है देखते हैं। सो अभी यहाँ पर हम लोगों को एलिफेंट दिखा है, ये देखो। यहाँ पर है लॉयन बट यहाँ पे बंद करके रखा है, पता नहीं कुछ तो भी काम चल रहा है और लॉयन भी नहीं होगा। सो चलते अभी नेक्स्ट। भाई इस साइड में भी बंद है, चलो चलते भी आगे देखते क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी नहीं है वुल्फ। भाई क्या लगा दिया इन लोगों ने, कुछ देखने भी मिलेगा या नहीं पता नहीं। चलते भी आगे। हाँ यहाँ पर पैंडा मिलेगा हम लोगों को देखने को। ये देखो गाइस ये खुला है, अभी ये देखने को मिलेगा, पता नहीं कहाँ पे बैठा होगा वो। देख सामने ये देखो गाइस ये पैंडा यहाँ पर बैठा है, एक ही पैंडा यहाँ पे गाइस। तो अभी यहाँ पर है टाइगर, देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो खड़े हैं टाइगर को देखने के लिए। टाइगर दिख भी रहा है या नहीं देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्लास दिए एंड देखो गाइस सामने टाइगर, दो टाइगर है चल रहे हैं ये देखो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ग्लासेस दिए देखने के लिए, वैसे ही थोड़ा आगे आके ना यहाँ पर नीचे जो ग्लास है ना वहाँ पे पानी है। सो यहाँ पर भी टाइगर्स आते हैं पानी में। सो कुछ इस तरह से आका विंडो व्यू है। सामने की तरफ भी छोटा सा वाटरफॉल किया हुआ है, वहाँ से जो टाइगर्स है ना वो कई बार यहाँ पर भी आते हैं। मेरे पास एक दो शूट है आप लोगों को अभी दिखा दूंगा मैं। एंड ये है कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइगर, सो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ पे। सो मैंने एक लड़के का वीडियो देखा था, उसमें ना टाइगर पानी के अंदर आया हुआ था। सो वो काफ़ी मस्त लग रहा था क्योंकि ग्लास के पास में टाइगर आ गया था ना। अभी हम लोगों को वैसे दिखने नहीं मिला बैठने, बट आप लोगों को वो वाला फुटेज थोड़ा कट करके आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से दिखता है। सो चलते भी आगे एंड दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ फूड कोर्ट भी है कैफ़े वाइल्ड करके, सो यहाँ पर भी आप लोग कुछ खा सकते हो। वो इस साइड में, अभी इस साइड में तो कुछ नहीं है देखने लायक, चलते इसी साइड में चलते हैं। यहाँ पर मैप दिया हुआ है जैसे कि आप लोगों को कहाँ जाना है क्या देखना है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हमने लिया अभी यहाँ पे बर्गर, ये खाते हैं देन चलते आगे। सो यहाँ पर है हिप्पोपोटामस जो कि अंदर पानी के अंदर है, आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, थोड़ा दूर है इसके लिए। बस अभी चलते हैं। इसी के साइड में यहाँ पर क्या है भाई, कुछ नहीं दिख रहा।
पे जहाँ पर अंदर जो भी कैफे ना हम लोगों ने भी यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया अभी हम लोगों ने बर्गर लिया था सो ठीक ठाक था, इतना भी अच्छा नहीं था। बट यहाँ पर वाटर बॉटल नहीं मिलेगी क्योंकि प्लास्टिक बैन है। सो यहाँ पर जो पानी आप लोगों को फ्री में मिलेगा जो कि सब जगह पे थोड़े थोड़े अंतर पे पानी के लिए लगाया हुआ है, तो ठंडा पानी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। चलते भी आगे चलो, कुछ नहीं वहाँ पे कैसे नहीं दिख रहे काय माहिती काय दिसत नाही। यहाँ पर है हरिण, डियर बोलते हैं हम इसको। सामने सारे के सारे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, शायद आप लोगों को ये शैडो की वजह से दिख रहा है या पता नहीं, मुझे तो दिख रहा है बिकॉज है ना उनका कलर और जो नीचे पत्ते पड़े हुए ना उनका कलर सेम सेम है ना, एंड इस शैडो में अच्छे से नहीं दिख रहा है इतना। ठीक है चलते थोड़ा आगे, मैंने आइसक्रीम लिया था आइसक्रीम खाते और चलते आगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अंदर, यहाँ पर अंदर है पेंगुइन, ये दिखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इंडिया में पेंगुइन देखने को नहीं मिलते, बट इन लोगों ने पेंगुइन लाए बाहर से और यहाँ पे उनका जैसा भी टेम्परेचर लगता है ना उस टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे मेंटेन किया है, एंड यहाँ पे यहाँ पर पेंगुइन जो है वो रखे हुए हैं। चलते अंदर एंड देखते, इसके बाद यहाँ पे बाजू में एक ऑडिटोरियम हॉल है वहाँ पे कुछ 3D शो वगैरह रहेगा वो भी देखेंगे। चलते भी पहले पेंगुइन की तरफ। हम लोग अंदर आए, यहाँ पर कैमरा अलाउड ने लिखा है, इसके लिए मैं अभी थोड़ा मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। ये देखो काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि पूरा ठंडा किया है ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे पेंगुइन हैं जो कि पानी के अंदर खेल रहे हैं, इनके लिए ना अंदर पूरा बर्फ़ का बना है, टेम्परेचर जो है वो सेट किया है कम। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर है ना आधी से ऊपर चीज तो बंद ही दिख रही है मुझे क्योंकि यहाँ पर ऑडिटोरियम भी बंद है यहाँ का। अभी क्या है आगे ये पता नहीं। ए फूड कोर्ट है ओके। सो अभी हम लोग पेंगुइन देख के बाहर आ गए एंड ऑडिटोरियम तो बंद है। सो वहाँ पे कुछ जो 3D शो वगैरह रहता है वो नहीं देखने को मिलेगा। अभी ऐसे हम लोग दूसरे साइड में जा रहे हैं। यहाँ पर ये फूड कोर्ट गई तक गई तो इसने यहाँ पर लिया है इडली, बताना कैसा है। एक ही ले हम लोगों ने बिकॉज इसको टेस्ट करना है, अच्छा होगा तो और लेने वाले। अच्छा है ओके बट मेरा पेट फूल है अभी, मुझे नहीं चाहिए कुछ। और साउथ इंडियन तो बिल्कुल नहीं चाहिए पता है। महाराष्ट्र मी महाराष्ट्राचा आहे, हिंदी ब्लॉग करतो ओके ना। ये स्कैन करके ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो। सो अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ये स्कैन करके टिकट ऑनलाइन भी निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग वीकेंड में आ रहे हो ना तो शायद यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो सकता है, तो टिकट की लाइन में खड़े होने से अच्छा है कि ऑनलाइन टिकट निकाल लो। हम लोग तो वीकडेज में है ना तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, सो हम लोगों को ज़्यादा लाइन वगैरह खड़ा नहीं रहना पड़ा, सो इसके लिए अच्छा है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स पैराडाइज में। सो यहाँ पर है गणेश करके नाम है इसका। यहाँ पर कुछ पैरट्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये
ये देख सकते हो भाई यहाँ पे बैठे ये देखो कितने सारे पैरट्स यहाँ पे, यहाँ पर सामने भी बैठे हैं एंड उस साइड में भी है। ये देखो भाई यहाँ पर कितने सारे बैठे हुए हैं, कॉकटेल है ये। अरे कॉर्नर में देख कर नीचे एंड सामने पीकॉक। ये देखो यहाँ पर पैरेट्स बैठे हुए हैं, कुछ उनका भी लंच चल रहा है। कुछ इस साइड में भी थे यहाँ पे, इन लोगों का भी लंच चल रहा है ना, लंच टाइम है इनका। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे पिकॉक भी था ना शायद, ये देखो यहाँ पे आई सुपर। खूबस मोटा है ये, बग इकड़े बग इकड़े। ये देखो भाई कितना बड़ा पैरट है, ये भी पैरट ही है बट थोड़ा अलग है और बहुत बड़ा है। वो सामने भी है अलग कलर के। यहाँ पर काफ़ी सारे पैरेट थे अलग अलग टाइप के, कोई छोटे थे कोई बड़े थे। सो बड़ा वाला काफ़ी सुंदर लग रहा था और मल्टी कलर में भी था ना, सो मस्त लग रहा था। यहाँ पे टॉर्टॉइज टर्टल है ना यहाँ पे, सो यहाँ पर रखे हुए अंदर के साइड में, यहाँ से शेडो आ रहा है, चलते इस साइड में। यहाँ पर मगर, चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, मस्त किया है यहाँ पे। ये देखो गाइस यहाँ पर है मगर, बाप रे खतरनाक। और ये पूरा इस तरह से बनाया ना इन्होंने, हम लोग ऊपर जाके भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे हम लोग घूम के अगर ऊपर जाएंगे ना, ऊपर से देख सकते हैं और नीचे इस तरह से ग्लास लगाया है तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है ऐसे। और यहाँ पे मगर पास में ही है, हम लोग देख सकते हो। ये देखो गाइस ये तैर रहा है पानी में यहाँ पे। ऐसे हम लोग ऐसे स्टेप चढ़ेंगे ना, उसके बाद हम लोग नहीं चांगले वाटते। सो यहाँ से कुछ व्यू है ऊपर से, जैसे मैंने आप लोगों को अभी भी बोला था। ये देखो हम लोग अभी थे, हम लोग यहाँ पर नीचे एंड अभी हम लोग आ गए ऊपर। ऊपर से कुछ इस तरह से यहाँ पर है बट नीचे से बहुत ही मस्त लग रहा था। एंड वो भी मगर जो है ना, वो एक जगह पे स्टिल था एक जगह पे, एंड जो दूसरा वाला था ना वो मस्त तैर रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया तो वो मस्त लग रहा था। अगर आप लोग थकते हो ना तो आप लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह जगह पर किया हुआ है सीटिंग अरेंजमेंट, तो आप लोग थोड़ा रुकना चाहते हो बैठना चाहते हो तो आप लोग रुक सकते हो। यहाँ पर है एक्वा बर्ड्स, देखते हैं क्या देखने मिलता है एक्वा बर्ड्स के अंदर। नो क्या है,
यहाँ से है एंट्री, कुछ इस तरह से ऐसे एंट्री है, क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह के लिए बना है ना, पूरा नेट लगाया है यहाँ पे, सो यहाँ पर भी इस तरह से लगाया है, सब कुछ पैक किया है, क्योंकि जो बर्ड्स यहाँ पर है ना वो बाहर नहीं निकलने चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे पूरा ऐसा नेट किया है। एंड देख सकते हो ऊपर भी ये बैठे हुआ एक भाई, ये दिखना हाई उड़े वर्ती किसका गला बार उड़ तो कतो खतरनाक। ये देखो गाइस, ये यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है एंड कुछ उसके साथ ही नीचे भी है, इधर इधर सामने छोटा सा वाटरफॉल, चल आगे। यहाँ पर आए हम लोग पे तरस और बिपटा है, देखते हैं दिखता है या नहीं। हे एंड ये है यहाँ पर बिपटा, लेपर्ड बोलते हैं हम लोग जिसको, सो यहाँ पर सोया हुआ है वो। ये देखो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनाया है, ये वाला मस्त बनाया है यहाँ पे। एंड देखो यहाँ से वो सोया हुआ है एक्चुअली ना, तो वो उस साइड में है यहाँ पे। चलो चलते भी आगे, कुछ है तो दिखाते आप लोगों को। ये डिफरेंस बिटवीन चित्ता एंड बिपटा। सो गाइस, तो फाइनली भी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सो जितना भी हम आप लोगों को दिखा सकते थे पूरा दिखा दिया, क्योंकि कुछ जगह पे ना बंद किया हुआ है, उनका कुछ काम चल रहा है। सो आप लोग भी अभी यहाँ पे अगर आने का सोच रहे ना, तो अभी तो मत आओ, थोड़े दिन बाद आओ, शायद एक दो महीने बाद इन लोगों का काम कम्प्लीट हो जाए, तो आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो भी एक शो था ऑडिटोरियम के अंदर, वो भी नहीं देखने को मिला हम लोगों को। यहाँ पे टाइगर देखने को मिला, लॉयन नहीं देखने को मिला, तीन चार चीज़ें थी जो मेन थी, बट वो अभी बंद है। सो चलो अभी इस वाले ब्लॉग को तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, एंड अच्छा लगा है तक देख लिया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन। हाँ, लाइक तो करेंगे भाई वो। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। Tum agan nan mast magan dera